करके बड़ा खुशी हुई है। गंगा की गोरी, एक तो टाइटल ही बड़ा खूबसूरत है। राजेंद्र वर्मा जी बड़े पुराने हमारे मित्र हैं और सतीश जी को भी जानता हूँ, सबको, सारे स्टार कास्ट भी हमारे सारे परिचित लग रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ईश्वर इनकी पिक्चर को जल्दी कंप्लीट करे, सक्सेसफुल हो, हमारी शुभकामना है। और एक वेल विशर के तौर पर हम यहाँ आए थे, हमें बड़ा अपना सा मिला है, यहाँ पर प्यार मिला है, तो हमारी शुभकामना है ये फिल्म जल्दी बने। और इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अनारा जी हैं, बलेश्वर जी हैं, झील हैं, बाकी हैगरे तमाम आर्टिस्ट हैं, सबको शुभकामना मैं देता हूँ। मैं आपसे चाहूँगा, जैसे कि आपको लग रहा होगा टाइटल से ही, गंगा की गौरी एक फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और मैं गंगा का किरदार निभा रही हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कहीं के ही मेरे जीवन में भी संघर्ष रहा है और ये फिल्म भी उसी तरह है कि एक नारी के संघर्ष की कहानी है कि नारी कैसे एक समाज में अपने संघर्ष करते हुए उसके अंत में जब वो पहुँचती है और वो विजयी होती है, तो उसकी कहानी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और पाखी जी जो है वो गौरी का किरदार निभा रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाखी जी के साथ वापस काम करने के लिए। और एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। जब राजेंद्र जी ने ये कहानी मुझे सुनाई थी, मैंने और कुछ सोचा ही नहीं कि क्या कैसे कब, तो मैंने उन्हें सीधे हाँ ही की थी इस फिल्म के लिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इतने सालों बाद एक ऐसी नारी प्रधान फिल्म जिसमें वाक्य में नारी का एक ऐसा रूप देखने को लोगों को मिलेगा कि जिसमें लोगों को लगे कि हाँ, जो टाइटल है गंगा की गौरी, उसके साथ जस्टिस किया गया। जी, ये मैंने अपने लिए तैयारी की है। आई थिंक बहुत सालों से लोग एक अलग अनारा को देखते आ रहे थे इतने सालों से, अब जो अनारा आई है वो अनारा 2.0 है, बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मैंने 21 किलो कम किया है इस दौरान और मैं खुश हूँ कि मैंने एक अचीवमेंट की है और ये मैंने अपने लिए की है। डेफिनेटली मेरी फिल्मों में तो उसका असर आएगा ही, क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हैं, आप पतले हो जाते हैं और आप ज़्यादा फिट हो जाते हैं, तो आपको काम भी उस तरह से मिलता है। या मैं चाह रही हूँ कि मैं स्विच करूँ थोड़ा कुछ और इंडस्ट्री में, तो बस इसी की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले तो दशहरा का सबको बधाई, और सतीश विजयशंकर जी और राजेंद्र जी को भी बधाई, पाटिल को बधाई। ये प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं कल ही मुंबई आया और अब मुहूर्त में डायरेक्ट सोचा हूँ, मैं फाइनल हुआ था, तो अभी स्टोरी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है। लेकिन ये जिस तरह से टाइटल है गंगा की गौरी, नो डाउट कॉन्सेप्ट भी उससे ही प्यारा होगा और बहुत ही, मतलब ये लोग मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो बहुत ही अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाएंगे। नहीं, इस बीच में मैंने काफ़ी फिल्में पॉजिटिव भी किया है, तो अभी तो नहीं कह सकता कि मैं विलन हूँ या पॉजिटिव हूँ, लेकिन यह है कि हमारे डायरेक्टर साहब राजेंद्र जी जो अगर मुझ पर विश्वास किए हैं, कुछ अच्छा ही रोल सोचे होंगे, तो जब शूट चालू होगा अभी बैठेंगे हम लोग, तो हमें मालूम पड़ेगा मैं इसमें क्या कह रहा हूँ। थैंक यू। स्टार कास्ट भी हमारा जी है साथ में, और स्टार कास्ट में पाकी निकल जी प्रमुख प्रेमी जी वाले जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सारे मीडिया के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे जीवन का बहुत ही सुखमय समय है। और आज 4 सालों से मैं इंतजार कर रहा था इस फिल्म के लिए, संघर्ष चल रहा था कि आज बनेगी कल बनेगी, वो समय आज आ गया। और उस समय के साथ साथ हमारे साथ अनारा जी भी आई, पाखी जी आई, बालेश्वर जी आए, अमन श्लोक जी इसका म्यूजिक कर रहे हैं जो हमारे पुराने संबंध हैं भैया के साथ में, हीरा यादव जी इसके मतलब अहम किरदार में हैं, तो सारे लोगों का एक टीम वर्क है। और इस फिल्म को बनाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये नारी प्रधान फिल्म है, टाइटल इसका है गंगा की गौरी। एक गौरी के जीवन का संघर्ष है और एक गंगा के जीवन का संघर्ष है, दोनों के बीच की कहानी है। सर, नारी प्रधान कहानी है, कौन सी नारी? सर, इसको भारत देश में दो प्रकार की, एक ग्रामीण है, एक जो है जी 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 शहरी है जी। तो ये जो गौरी जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्र से होती हैं और गांव की मुखिया होती हैं, और वो गांव की मुखिया होने के नाते उनका कार्य दायित्व जो होता है वो लोग उससे प्रसन्न करते हैं,
और तमाम सारे उन चीज़ों को उन योजनाओं को उन तक लाती हैं जो योजनाएं सरकार द्वारा आती हैं, इसलिए वो जो है अब चर्चित होती हैं गांव समाज में। और धीरे धीरे उनको उनके जीवन में ऐसा भी संघर्ष आता है जब उनको अपना घर छोड़ के निकल जाना पड़ता है। गोरखपुर में होगी शूटिंग और 15 नवंबर से चालू होगी। जी दोनों बहुत ही सभ्य इंसान है मेरे पास जो भी फिल्म लेके आए, और जब मैंने कहानी सुनी और राजेंद्र जी ने जब मुझे बोला कि अनारा जी 4 सालों से इस कहानी पे काम कर रहा हूँ और इसको बेहतरीन कलाकारों के साथ बनाने का मेरा जो सपना था, आप और पाखी जी जब इसके साथ जुड़ी हैं, तो मुझे लगा कि अब ये फिल्म का सही वो हुआ है। और सतीश जी बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाएं, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मेरा पाखी जी का बालेश्वर जी प्रमोद जी जितनी भी स्टार कास्ट है जितनी भी क्रू है सबकी पूरी पूरा का पूरा सहयोग रहेगा कि एक फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म बन के आए और लोगों तक पहुँचे और थिएटर में रिलीज हो। मैं हूं अमन श्लोक संगीतकार और आपने मेरा एक बहुत ही हिट गीत सुना होगा, थम के बरस मेरा महबूब आने वाला है। और आज सबसे पहले तमाम मीडिया कर्मियों का मैं शानदार इस्तकबाल करता हूं, आप इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए। गंगा की गौरी एक बहुत ही बेहतरीन महिला प्रधान फिल्म है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की फिल्मों का आज चॉइस है कि दर्शक उस तरह की फिल्म अश्लील फिल्मों से जो दूर भाग चुके हैं, तो ये फिल्म से एक नया अध्याय शुरू होगा मेरा ऐसा मानना है। और हमारे युवा निर्देशक हैं राजेंद्र वर्मा जी और बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छी टीम बनी है, अनारा गुप्ता जी हैं, केसर जी हैं जी, प्रमोद प्रेमी हैं और सभी बड़े बड़े कलाकार हैं और मुझे संगीत बनाने की जिम्मेदारी मिली है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ही सुपर हिट संगीत बनाऊं और सभी लोगों को विजयादशमी की मैं शुभकामना देता हूं। सर संगीत की बात करें किस तरह का गाना है उसको ऐसा पॉपुलर गाना बताइए। थमके बरस हो जरा थमके बरस, थमके बरस हो जरा थमके बरस, मेरा महबूब आने वाला है, दूर से आएगा भीग जाएगा वो थमके बरस। बहुत सारे गाने हैं भोजपुरी में, अपने तुहार नेखे को जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो, संग्राम, गंगा तोरे देश में, बा खिलाड़ी बा, तेजाब, सावरिया, आई लव यू, मोरा बलमा छैल छबीला, हज़ारों फिल्मों में मैंने किया है काम। और नेटफ्लिक्स पे आप मेरा जामताड़ा वेब सीरीज़ देखते हैं, सीजन 1 सीजन 2 मैंने किया है और अभी सफ़र बहुत लंबा है, बहुत काम करना है और गंगा की गौरी के लिए मुझे सबसे बढ़िया एक अलग सा संगीत बनाना है, तो यात्रा तो बहुत लंबी है, बस आप लोगों का प्यार और दुलार चाहिए। सर आपने क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और निर्माता निर्देशक के बारे में? नमस्कार, मैं हूं आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह और दशहरा की हार्दिक शुभकामना आप सबको। और गौरी की गंगा फिल्म का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है, तो मैं बहुत सतीश भैया, सतीश सिंह जी प्रोड्यूसर है उनके लिए और अपने जो राजेंद्र जी है डायरेक्टर और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामना मैं देता हूँ ये फिल्म बने और सुपर डुपर हिट हो। बेसिकली अनारा गुप्ता जी है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और पाखी जी हैं और जितने भी दिग्गज कलाकार सामने बैठे हमारे भाई बालेश्वर भाई, तो मेरी शुभकामना है कि हिट हो। जी नमस्कार, मेरा नाम झील इदरीसी है और आप सभी को हैप्पी दशहरा। इसमें मैं सेकेंड लीड का रोल कर रही हूँ, IAS का है, बहुत अच्छा किरदार है, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है डायरेक्टर सर, बट थोड़ा बहुत गाने वगैरह है, बहुत अच्छे सॉन्ग है। पहले आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं और ये जो प्रोजेक्ट है हम लोगों ने 4 साल पहले मेरे भाई राजेंद्र जी और भाई आओ। ये हमारे 4 भाई जो है हम लोग 4 साल पहले शुरू किए थे और लॉकडाउन आ गया और ये प्रोजेक्ट रुक गया और ये इन्होंने बता ही दिया कि ये एक नारी प्रधान फिल्म है, इसमें मेरा सा एक रोल है केवट का, जो एक माझी का रोल कर रहा है, वो केवट सबको इस पार छोड़ता है, लेके आता है
और इस भाई ने बहुत मेहनत की है और इसमें एक मैं गाना भी गा रहा हूँ जो माझी का है, बहुत अच्छी फिल्म है। और आप सबसे प्रार्थना है कि दुआएं कीजिए कि ये फिल्म बने और रिलीज हो और हिट हो, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है इस फिल्म के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेंद्र जी आपको। और जी नमस्कार, मैं हूँ रैपर हितेश्वर और गंगा की गौरी बहुत अच्छा साउंडिंग, कूल गुड, अच्छा लग रहा है। और सबको जो स्टार कास्ट है यहाँ पे, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, समय पे बनाएं और समय पे रिलीज करें। सर गाएं तो नहीं है और क्यों नहीं, आपको मैं एक बड़ा सिंपल मेरा रैप है सुनाता हूँ, भोजपुरी में ही है। हमारे पूर्वजों की पहेली की कहानी, हमारे बाप दादा और नाना नानी की जुबानी, बुझका हा तारा घरे गईनी बिना पूछने लेके बैठ गईनी, बुझका हा लाल ढकना धका ढकना, खोल खिड़की पहुँचाओ पटना, बुझका हा। लेटर बॉक्स सबको तो पता ही होगा। नमस्कार सर, सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उदय भगत है और ये गंगा की गौरी फिल्म बनने जा रही है जिसका आज शुभ मुहूर्त है और इसमें मैं एक किरदार पे मैं काम करूँगा। और इसमें जो है सो इसके निर्माता जो है सो सतीश सिंह जी है, प्रियंका सिंह जी है और इसके डायरेक्टर है राजेंद्र कुमार वर्मा जी। और सभी को मेरे किस का प्रणाम। फिल्मों में अभिनय किया आपने, तो क्या कहेंगे जब से आप इस क्षेत्र में हैं, तब से जो चुनाव करते हैं किसी रोल का किस आधार पर करते हैं और खासकर ये फिल्म की बात करते हो, इस फिल्म को लेकर कितना चाहिए? नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं जितने भी इसके दर्शक हैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ और दशहरा का आज दिन है तो दशहरा की बहुत सारी बधाई आप लोगों। और आज दशहरा के दिन ये फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। गंगा की गौरी, इसके प्रोड्यूसर हैं अपने सतीश विजय सिंह जी और प्रियंका सिंह हैं और राजेंद्र वर्मा जी इसके डायरेक्टर हैं, इसको पूरा कारभार संभाल रहे हैं निखिल पाटिल जी। तो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, इस फिल्म में मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। हर फिल्मों में लोगों ने मुझे विलन के रूप में देखा है, लेकिन विलन और पॉजिटिव भी मैंने किया है, लेकिन इस फिल्म में मैं कुछ अलग ही कह सकता हूँ कि जब ये फिल्म बन के आएगी तो आप लोगों को देख के मेरा कैरेक्टर, मेरा किरदार अच्छा लगेगा। दोहरा सेट है, एक यंग और एक ओल्ड, और पाखी जी का हस्बैंड का रोल कर रहा हूँ मैं इसमें। और पाखी हेगड़े जी इस फिल्म में बहुत अहम रोल निभा रही हैं, अनारा गुप्ता जी हैं, उसके बाद हीरा यादव जी भी हैं और भी बहुत तमाम आर्टिस्ट हैं। तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म बनने जा रही है, अमन सलोक जी इसके गाने कर रहे हैं। तो इतना कहूँगा कि जब ये फिल्म बन के आएगी तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और आप लोग इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि हमने बहुत दिन बाद कोई फिल्म देखा। इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं या जो काफ़ी करीब आपके दिल के हैं? देखिए, इस फिल्म के बाद अभी मैंने शूट करके आया हूँ अपराधी, खेसारी जी की है, उसमें भी मैं एक बहुत ही अलग कैरेक्टर किया हूँ, एक ऐसे बाप का कैरेक्टर जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करना चाहता है। उसके बाद बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, अभी एक फिल्म आ रही है प्रेम रंग, उसके बाद तमाम फिल्में हैं जो अभी समय नाम लेना भी मुश्किल है, लेकिन यह है कि जितनी भी फिल्में हैं सब बहुत प्यारी फिल्में हैं, अच्छी फिल्में हैं और जब भी आएंगी आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये भी कहना चाहूँगा कि 22 से थिएटर्स खुल रहा है, क्या लगता है कि जिस तरह से पहले था बिजनेस फिल्म का वो बिजनेस रहा, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म बहुत कंपटीशन दे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे खासकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो क्या पहले की तरह वो माहौल होगा कि लोग फिर अब कम आएंगे थिएटर्स में, क्या होने वाला भविष्य? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सिनेमा होता है और सिनेमा कभी हमसे दूर नहीं हो सकता। सिनेमा हॉल, हम जब फिल्में देखते हैं तो पहले एक प्लान करते हैं कि हमको सिनेमा हॉल में फिल्में देखनी है। हाँ, ये अलग बात है कि कोरोना की वजह से हमारे दर्शक जो है थोड़ा डिवाइड हो गए हैं, कुछ लोग मोबाइल और टेलीविज़न तक रुख बना कर लिए हैं अपना, लेकिन सिनेमा हॉल में बैठ के देखने का अलग ही नज़ीरा है। और आज अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, अभी एक फिल्म लिट्टी चोखा रिलीज हुई है, उसका अच्छा रिव्यू आ रहा है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका रिव्यू अच्छा आ रहा है, मतलब समझिए कि ऑटोमेटिक तो नहीं लेकिन फिर से ऑडियंस जो है एक बार सिनेमा का रुख करेगा, क्योंकि मोबाइल पर आप सिनेमा देख नहीं पाते, टुकड़ों में देखते हो तो उसका मज़ा नहीं होता है, लेकिन जब सिनेमा हॉल में आप फिल्में देखते हो तो उसका मज़ा अलग ही होता है। तो हमें उम्मीद है कि एक बार फिर से दर्शक सिनेमा हॉल तक जाएं
क्योंकि सिनेमा हम लोग सिनेमा हॉल के लिए ही बनाते हैं, न कि मोबाइल और टीवी के लिए। ये कहने की क्या बात है, नो डाउट साउथ इंडस्ट्री हमसे बहुत पहले है और हम लोग अभी भोजपुरी इंडस्ट्री मुश्किल से 15-20 साल से इतना तेज़ी से हम लोग इतना आगे भागे हैं, इतना अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रोथ की है। तो हमें उम्मीद है कि आज साउथ हम लोग कह रहे हैं, कल हम भोजपुरी भी कहेंगे कि भोजपुरी उस लेवल पे पहुंच जाएगी। 20 साल में आज भोजपुरी साल की कम से कम 100 फिल्में बन रही हैं, जो कभी इक्का दुक्का फिल्में बनती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2-4-10 साल और जान दीजिए, हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि साउथ इंडस्ट्री, शायद हम लोग ये कहें कि भोजपुरी इंडस्ट्री। पहले तो अपने क्षेत्र में आप आई हैं, तो क्या आपको प्रेरित किया आने के लिए, कैसे शुरुआत हुई, पहला क्या प्रोजेक्ट था और कितने उत्साह थे इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? जी, सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम झील इदरीसी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देख रहे हैं पोस्टर में मेरा फोटो है और ये मूवी बहुत अच्छी है, गंगा की गौरी, कितना अच्छा, कितना पवित्र टाइटल है और दशहरा के दिन ये मुहूर्त हुआ है। तो मैं यही बधाई देना चाहूँगी डायरेक्टर को, राजेंद्र सर को, और प्रोड्यूसर हमारे सर सतीश सर हैं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो रोल जिस रोल के लिए मुझे बोला गया है, बस माता रानी की दया से मैं उस रोल में परफेक्ट हूँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से ज़्यादा लगाव है आपको, क्या कहना चाहेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है? हाँ, मुझे हर लैंग्वेज में काम करना है, हालांकि मैंने 3 लैंग्वेज में काम किया है, भोजपुरी में किया है, हिंदी में किया है और साउथ में भी किया है, साउथ में आइटम सॉन्ग किया है मैंने। हाँ, तो ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि सेकेंड लीड की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो लीड एक्टर से कम नहीं है, तो जब सेकेंड लीड बोला जाता है तो कैसा आपको लगता है कि लीड क्यों नहीं? देखिए, इसमें जैसे कि डायरेक्टर सर ने बताया है मुझे कि हर कैरेक्टर लीड होता है ना, मेन आप का कॉन्सेप्ट मेन मायने रखता है और आपका एक्ट, अगर आप लीड से भी बेटर, अगर आपका सेकेंड लीड भी, आप मेन सब फोकस होता है एक्ट पे कि आप एक्टिंग कैसे कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से मेन लीड सेकेंड लीड कुछ नहीं होता है, मेन कैरेक्टर होता है और स्टोरी होती है, कॉन्सेप्ट होता है। कई लोग मानते हैं कि वो तमिल में इस तरह का है और इंडस्ट्री बहुत हाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि साउथ इंडस्ट्री की बात कर ले, हिंदी बजट के हिसाब से या जो माहौल हो या गाना या जो भी चीज़ थोड़ा सा, हाँ वो भोजपुरी को थोड़ा सा, लेकिन अभी हमारी भोजपुरी अच्छे लेवल पे आ गई है, ऐसा नहीं है, पहले के गाने बनते थे थोड़ा सा वल्गर, इसीलिए थोड़ा सा फैमिली मेरी, मतलब हर किसी की फैमिली बोलती, हाँ अभी बहुत अच्छा सुधार आ गया है भोजपुरी में, ऐसा नहीं है। और सबका देखिए अलग अलग है, हर इंडस्ट्री में सब अपने अपने जगह पर सही है। इसके अलावा प्रोजेक्ट इसके अलावा भी है, बट अभी मैं खुलासा नहीं कर सकती हूँ, जब कुछ फाइनल हो जाएगा तो मैं पक्का आप सबको बताऊँगी। ओके जी। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. गंगा की गौरी एक बहुत ही उम्दा फिल्म है और जहां हम आज नारी के सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं, तो ये उसके लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री फिल्म है, पूरक फिल्म है। और कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की अगर पर्याप्त चीज़ें नहीं प्राप्त होती है और उस वक्त अपनी बच्ची को जन्म देती है और घर से परिवार से साथ नहीं मिलता है, तो किन कठिनाइयों का, किन परेशानियों का सामना करते हुए उस बच्ची को बड़ा करने के लिए,
क्या क्या गो थ्रू कर सकती है, एक माँ क्या क्या कर सकती है अपने बच्चे के बड़े उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, उसके परवरिश के लिए, इस बारे में ही कहानी है। और इसी दौरान उसकी एक नहीं उसकी दो माएँ होती है और वही कहानी है गंगा की गौरी। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लॉट है जो राजेंद्र जी ने बुना हुआ है। कथा बहुत सुंदर है और एक पारिवारिक फिल्म, जहां हम यहां भोजपुरी फिल्मों को लेकर जहां बात होती है कि पिक्चरें अश्लील बनती है और हम लोग भोजपुरी से जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो भोजपुरी के ऊपर जो दाग हमेशा लगता है, तो मुझे लगता है कि ये उस दाग को मिटाने में बहुत इस फिल्म का योगदान होगा। मैं यही कोशिश करूंगी कि अच्छी फिल्में करूं और अच्छी फिल्मों के थ्रू लोगों को अच्छा गाइडेंस दूं, और इस कोशिश में मुझे लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब, इन्होंने जो इस फिल्म को चुना है, ये उनके लिए भी उतनी ही चुनौती है, क्योंकि ऐसी फिल्में ज़्यादातर उनको लोग पसंद नहीं करते हैं या कमर्शियली उनको हिट नहीं बोलते हैं। लेकिन हमने इस फिल्म को कुछ इस तरीके से बुना है कि उसमें जितना मार्गदर्शन लड़कियों को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर है, उतना ही मसाला, उतना ही कमर्शियल एंगल भी है, तो सभी लोग खूब एंजॉय भी करेंगे इसको, उसका इतना ही मज़ा लेंगे, एंड एट द सेम टाइम उनको एक अच्छी सीख भी मिलेगी इस फिल्म से, जो कि मुझे लगता है कि मुझे मेरी हर फिल्म से मिलनी चाहिए। यही कहूँगी। और संगीत अमन शुक्ला जी का है, आई एम सो सॉरी आज के लिए, क्योंकि तबीयत दो दिन से बहुत ज़्यादा नासाज रही है मेरी, ट्रैवलिंग और शूटिंग के वजह से बीमार पड़ी थी, और फिर भी आज कोशिश कर रही थी कि टाइम पे पहुँचूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़राब होने की वजह से डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ गया और फिर यहाँ पर आई हूँ, तो इस वजह से ट्रैफिक में लेट हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। संगीत अमन श्लोक जी का है और इन्होंने हमारे साथ में बहुत पहले से काम किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सो एसोसिएशन जब अच्छे लोगों का होता है एक फिल्म के लिए, तो वो फिल्म भी पूरी तरीके से अच्छी बनती है। हमारे सह कलाकारों में प्रमोद प्रेमी जी हैं, अनारा जी हैं, अनारा जी के साथ में हमने सबसे पहली फिल्म की थी विधाता, और विधाता के बाद में आज हम कर रहे हैं, और विधाता जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, हम कामना करते कि ये फिल्म भी उतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बने। इसमें आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है, ऑडियंस हमको प्यार दे, यही इच्छा करते हैं, और क्या कहेंगे। थैंक यू। नहीं, फिलहाल हर मुझे लगता है हर फिल्म में आपको नया किरदार या नया लुक अपनाना ही चाहिए, तभी जब आप वर्सेटाइल रहेंगे तो आप ज़्यादा फिल्में कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप सिमिलर अपना लुक हर फिल्म में रखेंगे तो उतना नावीन्य नहीं दिखता है। और मुझे लगता है भोजपुरी में जितना रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं, भोजपुरी ऑडियंस उतनी भाग रही है हमारी फिल्मों से, तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ नया हमेशा पेश करें, और इससे उनका मनोरंजन भी हो और उनको एक ऐसा भी लगे कि यार वही कहानी नहीं वापस देखी। नॉर्मली ऐसा होता है कि तेलुगु में पिक्चर कोई हिट हुई है तो उसी की कॉपी बना के बना दिए, तो ये कहानी उस तरह की नहीं है, तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल कहानियों से मैं जुड़ना खुद पसंद करूँगी। जी, और दर्शकों की मांग है कि आपके और भी इस तरह के वीडियोस आए, कोई है इस तरह के आ रही है कोई? जी बिल्कुल, अभी मैंने एक चिंटू जी के साथ में गाना किया है, वो फिल्म का गाना है, लेकिन एल्बम का गाना नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही तड़क फड़क दार गाना। खेसारी जी के साथ में एक गाने के लिए ऑलरेडी बात चल रही है, और हो सकता है कि वो बहुत जल्द शुरू हो जाए। इनफैक्ट 3 गानों की बात चल रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के हम लोग फिर एसोसिएशन करें, और बंगलिनिया जितना हिट हुई है उतना ही वो गाने भी हिट हो, और उसके लिए मेरे सभी सह कलाकारों ने बहुत हेल्प की है, सब ने अपने अपने वीडियोस रील्स बना के उस गाने को लोगों तक पहुंचाया है, और बिना उनके ये नहीं हो पाता। सो आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन इन द इंडस्ट्री जिन्होंने मुझे साथ दिया। मेरी तो वो डेब्यू फिल्म थी, मैं तो बड़ी डरी और फेमी सी थी सेट पे, बट यस ये तब भी सुपरस्टार थे और उन्होंने बहुत हेल्प किया, और मैं कहीं ना कहीं बहुत ऐसा रहती थी, अरे मेरे लिए क्योंकि नया एक्सपीरियंस था, बट शी वाज लाइक वंडरफुल को आर्टिस्ट, और बीइंग अ
सीनियर जिस तरह से वो हेल्प किया उन्होंने वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक हीरोइन दूसरी हीरोइन से कहीं ना कहीं वो जेलस फैक्टर, बट ऐसा नहीं था जो मैंने सुना हुआ था। हम लोगों के बीच में बहुत कम ही हुआ है किसी भी हीरोइंस को लेकर, yes, सभी लोग बहुत, यस yes, हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट कि सब हीरोइन आपस में फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं ऑफ शूटिंग भी मिलते हैं और खूब मजे करते हैं, ऑफ शूटिंग मिलते हैं और रील्स बनाते हैं जैसे कि हम लोग रील्स के लिए बहुत फेमस है तो यहाँ, और जैसे अब इनका गाना आया था वो सब ने रील्स बनाया और आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड कि हम वापस काम करेंगे और एक ऐसी फिल्म के साथ आएंगे जो एक मार्गदर्शक बन के लोगों के आगे आएगी। बस यही कहना चाहूँगा कि 20 साल के करियर में पहली बार मैं पार्टी के साथ काम करने जा रहा हूँ और करीब 1.5 साल फिल्म करने के बाद भी कभी मौका नहीं मिला कि मैं साथ में काम, लेकिन बहुत उत्साहित हूँ इस सिनेमा को लेकर के और पार्टी जी नारा जी हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राजेंद्र जी जो डायरेक्टर हैं बहुत ही अच्छा सिनेमा बनाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है और जब ये बन के आएगी तो लोगों को बहुत ही अच्छा। प्रमोद प्रेमी जी के साथ में अभी तक काम करने का मौका नहीं मिला है, ये पहली बार है कि मैं करने जा रही हूँ इवन्यू, तो हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, और मुझे याद है दिनेश जी के साथ में जब मैंने पहली बार काम किया था तो वो एक्सपीरियंस मुझे याद है उनके साथ वाला, और मतलब पहला शॉट लगा था जहाँ पे ऐसा शॉट था कि उनको मैं एक थप्पड़ मारने जा रही, वो हाथ पकड़ते घुमाते और बाल से पकड़ के ऐसे खींचते और किसिंग शॉट था और उनकी ऐसे हाथ कांप रहे थे और वो किसिंग शॉट तो एक्चुअली नहीं था, सिर्फ आपको ऐसे मोड़ के ये करना था पर उनसे हो ही नहीं रहा क्योंकि वो होता नहीं। तो मैंने देखा है कि भोजपुरी आर्टिस्ट में जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ में मतलब काम किए हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से एक होता ना कि रिस्पेक्ट, अरे बॉलीवुड से है तो वो एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट लेवल्स बहुत रखे हुए हैं, सभी रहते हैं। आई एम श्योर जर्नी ऑफ फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट बहुत एक्साइटिंग रहती है, और प्रमोद जी के गाने हम लोग सब सुने हैं, काफ़ी एक्साइटिंग है, नए कलाकारों में उनका काफ़ी नाम रहा है, अच्छे कलाकार हैं ये भी सुना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोग इसमें पहली बार काम करने जा रहे हैं और उनका किरदार है कुंवर साहब का, तो देखेंगे कुंवर साहब की शान क्या है, उनकी आन बान शान दिखाई देगी हमारे सामने जब आएंगे तब हम देखेंगे उनको। गंगा की गौरी फिल्म का नाम है जी, गौरी आप हैं, गंगा जी, आप हैं जी, गंगा की गौरी एक दूसरे की, यस जी, प्रमोद प्रेमी का क्या लेना देना? कुछ नहीं, दो हीरोइन है एक हीरो है, यहाँ से ये खींचेंगी वहाँ से मैं खींचूंगी, खींचा तान में देखेंगे कौन खींच पा रहा है सही से और कोई अगर नहीं खींच पाए तो उनकी वाइफ आके उनको लेके चली जाएंगी, हम दोनों शक्ल देखते रह जाएंगे और क्या। मैं सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है कि मैं फर्स्ट टाइम जो है अनारा जी के साथ, पाकी जी के साथ और प्रमोद जी के साथ और बालेश्वर जी के साथ इस फिल्म को करने जा रहा हूँ और इसका टाइटल जो है गंगा की गौरी। तो 4 सालों से मैं मुझे तलाश थी कि मेरी गंगा कहाँ है, मेरी गौरी कहाँ है, फिर 4 साल के बाद ही मेरी तलाश पूरी हुई। क्या बात। तो बेशक मुझे लगता है कि जब हम जिस चीज़ को क्रिएशन करते हैं या सोचते हैं और उस के अनुरूप कुछ प्राप्ति होती है और कुछ मिलता है तो आगे चल के सारा कुछ बहुत ही बेस्ट होता है, और आप लोगों के सामने मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आपने अभी तक बेस्ट ही दिया है सब कुछ, कोशिश हमारी यही रही, और आप गौरी हैं, अनारा जी गंगा हैं, प्रमोद जी कुंवर राजेंद्र बाबू हैं और बालेश्वर जी का किरदार है बैद्य रघुवीर दास जी का, इनका जो किरदार है वो विधाता के तरीके का है, जो विधाता का किरदार था दिलीप साहब का ऐसा था उस तरीके का इनका किरदार है, एक रईस आदमी, हर एक का कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रांग है, हाँ, एक रईस आदमी जैसे गौरी जी हैं तो गौरी जो गांव की मुखिया होती हैं, फिर इनको जो है पूरे एक राज्य का जो है पूरे प्रधानों का प्रमुख बना दिया जाता है, इनके कार्य को देखते हुए केंद्र सरकार से भी एक
एक लेटर आता है प्रदेश सरकार को कि इनको सही में तो नहीं आएगा सही में आएगा तो हम तैयार हैं। तो इस तरीके की फिल्म है, बिल्कुल। तो हम भी एक्साइटमेंट हैं और सब कुछ अच्छा होगा। और सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का भी मुझे चाहिए इस फिल्म को लेकर के। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस मेरी शुभकामना सबके लिए है और भोजपुरी दर्शकों के लिए। फिल्म मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी लगेगी और उन लोगों को ये दिखेगा फिल्म के अंदर कि मैं अभी कुछ देख रहा हूँ तो ये मेरे लायक फिल्म है। अरे प्रोड्यूसर साहब की चेयर तो यहाँ लगाई है, जो पैसा लगाएंगे वो सबसे पहले बैठने चाहिए। आप उनको कहाँ वहाँ बिठा दिए हो, प्लीज यहाँ बैठिए। करता धरता कौन पकड़े हुए हैं, आ जाइए ना, आइए आइए। सबसे पहले आप लोगों के सामने आया पहली पिक्चर बनाने आ रहा हूँ। सबसे बड़ा योगदान मेरे राजेंद्र बाबू हैं और जिन्होंने जिनके पीछे 4 साल में लगा और ये गंगा की गौरी बनाने के पीछे मैं लगा हूँ। और माता रानी का आशीर्वाद है कि गंगा रानी और माता रानी के देन से ये पिक्चर शुरू हो रही है। So, इनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। इनको बड़े ऑड्स में, मतलब ये बोल रहे हैं कि घर में से बीवी जी मना कर रही है पिक्चर मत करिए, घर में से बाकी सब मेंबर्स बोल रहे हैं मना कर रहे हैं पिक्चर मत बनाओ, लेकिन मुझे मन है क्योंकि मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। तो इनकी वो मतलब एक जो बोलते ना कि इनोसेंस, वो एक बड़ी भाग गई कि कई बार ऐसे होता है कि कई ऑड्स आते हैं काम करते वक्त, लेकिन सब ऑड्स को जब पार करके इंसान थोड़ी कोशिश करता है तो कुछ अच्छा निकल अच्छा के आ जाता है। और हमारी कोशिश ये रहे कि कोई नए प्रोड्यूसर्स हमारे इंडस्ट्री में आए तो हम उनको वेलकम भी करें और उनके उनके उस चीज़ों को जतन करके हम उसको पर्दे पे उसी तरीके से लाके दिखाएं जिससे उनका भी अच्छा हो।